कहीं पढ़ा कि गांधी जी का सत्याग्रह हिटलर के सामने असफल हो जाता, हिटलर उन्हें किसी गैस चैम्बर के अंदर भून देता, डाल देता और गांधी जी मर खप जाते। पहले लगा कि यह व्यक्ति जो लिख रहा है वो अंग्रेजों की प्रशंसा कर रहा है, तो बाद में लगा कि यह गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत अहिंसा की आलोचना कर रहा है। उसे लगा कि गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है वह हिटलर के सामने असफल हो जाता। दुनिया के सबसे क्रूर बर्बर अंग्रेजों के सामने जब गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत चल गया तो फिर हिटलर की तो बात ही क्या थी। हिटलर को गांधी जी ने 3 पत्र लिखे लेकिन वह उस तक नहीं पहुंचे। अगर पहुंच जाते तो निश्चित रूप से हिटलर के अंदर बदलाव आता। गांधी जी ने जो अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत दिया है वह हिटलर के सामने भी सफल होता। गांधी जी सत्य का आग्रह करते हुए हिटलर के सामने भी बैठ जाते, आमरण अनशन करते, उसकी भी हृदय में परिवर्तन लाते। सत्याग्रह का सिद्धांत हमेशा अपने विरोधी के हृदय में परिवर्तन का सिद्धांत है और निश्चित मानिए कि गांधी जी इसमें सफल होते। लेकिन हिटलर का यह दुर्भाग्य था कि गांधी से उसका संपर्क नहीं हो पाया और वह दुनिया का सबसे क्रूरतम खलनायक साबित हुआ, तानाशाह साबित हुआ और इतिहास में वह एक ऐसे नाम के रूप में उल्लेखित किया जाता है जो हर तानाशाह के लिए बार बार उपयोग में लिया जाता है। उसका अंतिम प्रयास उसके लिए हमेशा के लिए लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप बन करके सामने आता है।